गाइस स्पेलिंग में हम लोग इतना वीडियो कैप्चर तो नहीं कर पाया क्योंकि पूरा बारिश हो रहा था। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं राबोंला की तरफ। यहाँ पेलिंग में मैंने अपने में भी वीडियो में आप लोगों के साथ रखा था, सिर्फ हम लोग के रूइन से ही जा पाया क्योंकि ये इतना अच्छा है फिर भी पूरा तक नहीं जा पाया। सो बारिश होने लगा तो आप लोग के ऊपर में आज राबोंला गार्डन ये सब करके मैं गेस्ट को घर ले जा रहा हूँ। सो गाइस आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए, मैं आप लोगों को ऐसे अच्छा अच्छा रिमेम्बर्स पिक्चर्स लेके रहूँगा। सो गाइस ये है बुद्ध पार्क। बुद्ध पार्क में यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री चार्जेस में आपको दिखा दूंगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग आके पहले यहाँ पे एंट्री करना होगा। एंट्री प्राइस है आपका ये है फॉरेस्ट। लल्टू सर आपका भी तो सेकंड टाइम। हाँ सेकंड टाइम है। राजीव भाई के साथ फिर से सेकंड टाइम में इधर आया और जब भी आएगा राजीव भाई के साथ ही आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। उनके साथ घूमने में आप लोग का सब कुछ मालूम होगा सिक्किम में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। राजीव भाई इज द बेस्ट गाइड इन सिक्किम। और सर आपका तो फर्स्ट टाइम है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो कैसा लग रहा है आप? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पर जब भी आएंगे नेक्स्ट बार तो राजू भाई के साथ भी आएंगे। ओके ये बुद्ध पार्क में अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो आपको हम फर्स्ट टाइम ही पूरा दिखा देंगे अंदर का कैसा क्या है। ओके तो अगली बार वसूल वाला देखो बातें की। आपका भी दो बार हो चुका है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा ही लग रहा है एंड बहुत बारी आ चुके हैं, दो तीन बार तो हो चुका है। आपका भी सेकंड टाइम है ना? हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो मैम अभी आपका बाकी बोल दीजिए। हम लोग ये लेके थर्ड टाइम आए हैं राजू भाई के साथ, जितने बार भी आते हैं वही हम लोगों को लेते हैं लेके जाते हैं हर जगह, तो बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। तो मतलब वो मतलब जहाँ पर भी हम लोगों को लेके जाते हैं मतलब हम लोगों को अच्छी तरह से डिटेल्स भी बताते हैं कि कैसा है जगह, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब और कोई भी मतलब लेके जाए तो वो इतना डिटेल्स नहीं बताते जो कि मतलब राजू भाई हम लोगों को बताते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत बार ही आ चुके हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब थ्री टाइम्स ही आए हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ लास्ट टाइम भी हम आए थे आपको लेकर यहाँ पे स्टे किया था, फिर आज भी लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आने में आपको कैसा सुकून मिलता है? तो जगह तो बहुत ही अच्छा है ये, लेके मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ, दो बार आ चुका हूँ फिर भी यहाँ पे फिर राजू भाई के साथ आया हूँ। लेकिन ये जगह बहुत पीसफुल है और बुद्ध पार्क का अंदर अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पे देख के, फिर हम लोग जाएंगे टिमेटी गार्डन। तो यहाँ पे तो मैं तो आता ही रहता हूँ, इतना अच्छा लगाव हो गया रहे। और सिक्किम के साथ तो अलग रिलेशन है राजू भाई के साथ, जब भी आता हूँ राजू भाई के पास ही आता हूँ, राजू भाई घुमाता है पूरा, किसी के और के पास डिपेंड नहीं कर सकते। जितने तो घूमना है नॉर्थ सिक्किम था, अनफॉर्चुनेटली वेदर के वजह से नहीं हुआ, उसके वजह से राजू भाई चेंज करके थोड़ा हम लोग का रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे लेके आया। तो जगह बहुत अच्छा बुद्ध पार्क, आपको क्लाउड में पूरा क्लाउडी वेदर है, वेदर ठीक ही है, ज़्यादा एकदम ठंडा नहीं है और गर्म तो नहीं है, अच्छा लग रहा है घूमने। थैंक यू चलते हैं अभी। हाँ घूमने कोई भी ओल्ड एज आना चाहता है तो यहाँ पे ऐसे कार की भी सुविधा है, ऐसे कार में भी आप लोग घूम सकता है। ये इलेक्ट्रिक कार है, आप ऐसे भी घूम सकता है। इसका चार्जेस होगा मैक्सिमम 200-250 रुपीस एक कार का चार्जेस, आपको बुद्ध पार्क पूरा ऐसे घुमा के लेके जाएगा। लड्डू सर
कैसे लग रहे? बहुत बढ़िया लग रहा है राजीव भाई। ठंडा वेदर है ना? हाँ, ठंडा वेदर है। वेदर भी अच्छा मिला, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और पहले जब आया था पूरा घूमने का थोड़ा ये नहीं मिला था, लेकिन आज पूरा घूम रहे हैं बुद्ध पार्क, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके ओके, राजीव भाई का सेट तो और भी बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। सर, हम लोगों का ना ये सिक्किम अभी टी गार्डन ही बचा था। हाँ। बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लोग घूम चुके हैं। सब घूम चुके हैं हम लोग। तो ये है हमारा दो बच्चे, तो सब घूम चुके हैं। अभी यहाँ पे आके फाइनल एक ही तिमिटी गार्डन था, कैसा? हाँ। लगा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया गार्डन है। लेकिन एक चीज खराब लगा, कैमरे में फुल टीमिटी गार्डन लेकिन फोटो नहीं आ रहे हम लोगों का। लेकिन आ गया है, लेकिन बहुत बढ़िया गार्डन है। ये लास्ट बाकी था राजू भाई के साथ देखने के लिए, लेकिन ये लास्ट नहीं है, अभी तो ये शुरू है। हम लोग फिर से आएंगे यार इधर पे। अच्छा, इतना जल्दी क्या है? अभी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 4 साल तो कंटिन्यू हो रहा है। फिर से आएंगे, जब तक जिंदा रहेगा तब तक आएंगे। थैंक यू। आपका भी तिमिटी ही बचा था सिक्किम में। हाँ। सो हमने घुमा दिया। आप लोग 4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं इधर, तो कैसा लगा तिमिटी बोली? एक्चुअली 4 साल से तो फैमिली के साथ आ रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ 9 साल से, ठीक है? मेरा 9 साल हो गया। और जब भी आता हूँ राजू भाई के यहाँ पे आता हूँ। जब बैचलर टूर किया था तब भी यहाँ पे आया था। तो राजू भाई जो 4 साल बोल रहे हो, ये ग्रुप लेके, इसके पहले मैं आ चुका हूँ मेरे साथ, मेरे पास ना। हाँ, आपके पास। और इसके पहले ये टीमिटी बाकी था देखने के लिए, तो वो तो देख लिया, ठीक है। सिक्किम में कुछ रहा नहीं वैसे देखने लायक, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम सोचना पड़ेगा सिक्किम में राजू भाई को आगे जगह इन्वेंशन कर दे तो आ जाएंगे। जगह तो है नहीं, सब देख लिया। बाबा मंदिर, छांगू, गुरुदम्बर नहीं देखा ना। अच्छा, ये देख लिया, 0 पॉइंट देख लिया, यमथम वैली देख लिया, नॉर्थ सिक्किम कंप्लीट कर लिया, ईस्ट सिक्किम कंप्लीट कर लिया, वेस्ट सिक्किम भी कंप्लीट हो, पेलिंग भी कंप्लीट कर लिया। तो कुछ बाकी नहीं रहा, तो देखते अगर सिक्किम में कोई नया जगह आता है तो ठीक है, चलते मेरा घर पे। आज हम पार्टी है, पार्टी करेंगे, बर्थडे पार्टी डबल। ঠিক আছে। এখানে না, বিয়ারির দোকান। মামন কেকটা আনসে খাও।
गुड मॉर्निंग लड्डू सर एंड सोमिन सर. मॉर्निंग. कल शाम को आया था हम लोग यहाँ पे. आप लोग मैक्सिमम बहुत बार हो चुका है मेरे पास. तो कंटिन्यू ईयरली आता है और नेचर का आप लोग इतना एंजॉय करते हैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज. तो देखिए बॉडी भी बाफ रे बाफ. ओह कोलकाता की वर्ड्स में बोले तो मागो को तो बॉडी अच्छे समीर सर. तो बोल दीजिए कुछ आप यहाँ पे कैसे इतना कंटिन्यू ईयरली आते है. आते आते 9 साल हो गया. पता ही नहीं चला. कोई बोरिंग फीलिंग ही नहीं है. एक बार में आते सब सोचते दिन कट जा रहा है दिन कट जा रहा है और एक दिन रहेगा. 8-9 दिन इस साल भी हो गया. तो आते है इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है. सुबह सुबह कहाँ कौन सी होटल में ऐसा एक्सरसाइज करने मिलता है. इतना सुंदर नेचर के बीच. तो हर दिखता है खाना रहना पीना सब कुछ एक्सरसाइज मिला के 100% 200% थैंक यू सर. अमित सर तो यहाँ पे सुबह सुबह कॉफ़ी का एंजॉय कर रहे ब्लैक कॉफ़ी के साथ. ओके